कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हमारी जान, हमारी प्यारी बेटी और हमारे मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब मैम। बेटी, मेरा एक सवाल भी है, कुछ कहना भी चाहूंगी। बिल्कुल सर, सवाल ये है कि उनकी एज शायद 40 के करीब होगी, उनको वेरिकोवेंस हो गई है अब 3 साल से, और उनकी कमर में वगैरह में बहुत दर्द रहता है। हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ था। जब उनका बेटा हुआ 15-16 साल का था, तो उनकी टांगों में जान नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा टांगें मर गई हैं, जब से उनकी टांगों में दर्द है। और बैक पेन बहुत रहती है उनको, जो खड़ी होती है तो ज्यादा देर तो सूजन आ जाती है पैरों में जी। तो मैंने सर्वाइकल, मैंने कहा सर्वाइकल भी जरूर होगा बेटा, दर्द रहता है कंधों में, तो कहने की हाँ है। तो मैंने सर उनको नमक जैतून बताया मीठे सोडे के साथ, मोरिंगा बोन भी बताया, और थायराइड का जो सफो बनाते हैं 3 चीज का, वो भी बताया। दर्द के लिए सिया बोन बताया है जी, और आप जो 4 एक्सरसाइज जाती हैं सर्वाइकल की सर, वो भी बताई है। भाई ये बताइए, जो वेरिकोवेंस है उसके लिए कुछ और बताऊं, या 3 टाइम वो मोरिंगा वो ले लें सिया बोन? बहरहाल आपने नुस्खा जो बताया है वो बहुत सही बताया उन्हें, वही नुस्खे चलेंगे, और थोड़ा लंबे अरसे तक दें, और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करते होंगे, नहीं तो बता दें उन्हें कि वज़न नहीं उठाएं, झाड़ू पोछा नहीं करें और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। ये नुस्खे इस्तेमाल करते रहें, आगे जाकर उनको पूरा फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, हम तो याद करते रहते हैं आपको। जी जी, हम भी आपको बहुत याद करते हैं, काफी दिनों बाद आपकी कॉल लगी है। हाँ जी, हाँ जी, लगी है नहीं, 2-3 बार लगाई थी, कोशिश करती हूँ। जी जी, लगता जब अच्छा। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत दयावती जी। जी भाई साहब, और भाई साहब एक क्वेश्चन है मेरा जी, कि जिनको गले में कैंसर था ना, 68 साल के हैं मेरे रिश्तेदारी में, तो उनको मैंने नमक जैतून की गुद्दा गोंद दिया, तो उनको ना अंदर से बहुत मलगम वगैरह ये निकल के आता है, और उनको अच्छा लगता है, मतलब वो निकल जाता है गंद बहुत सारा, और उनको आराम भी है काफी, तो ये लेते रहे नुस्खा को, और कुछ बदलने की उनको जरूरत है। तो उनको घुटने में दर्द था, मेरी ननंद है उनको, तो उनको भी काफी आराम है, वे आपके लिए बहुत दुआ सलाम भेज रही थी कि आप बोलना, हमारा तो लगता नहीं है, और बहुत सारे लोगों को भी दिवाती रहती है, उसके सत्संग मारती है काफी, भिवानी से और कहीं से, बहुत ग्रुप बनाया हुआ है मेरा सबको, तो सब बहुत दुआ भेज रही थी आपके लिए कि आप बोलना, हम सुनेंगे फिर टीवी में, आपने बोला नहीं बोला, मैं बोली स्पेशल बोल दूंगी। देखिए, जो मरीज है सरतान के, उनको वो नुस्खा तो देते ही रही है, अभी बदलिए मत, और जो इलाज उनका चल रहा है वो चलता रहना चाहिए। और देखिए, ये गौन सिया से उनको फ़ायदा है, तो उनसे कहें कि जब तक पूरा फ़ायदा ना हो गौन सिया खाते रहें, और बस वही अनुरोध कि जब आपको फ़ायदा हो जाए तो ये बात आगे बढ़ाना, तो पहले से ही उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो जिस नुस्खे से भी मेरा फ़ायदा हो जाए करे आपके मेरे मशवरे से, वो नुस्खा लोगों को तक पहुँचा दिया करिए। लोग बहुत परेशान हैं अपनी बीमारियों से, उन्हें सही इलाज नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि हर शख्स फ़ायदा उठाने के बाद दूसरों तक वो नुस्खा ज़रूर पहुँचा दे।